जो फीलिंग्स प्रोफेसर के साथ लोगों की रही है और जो उनकी एक्सपीरियंसेस है वो आपस में शेयर करें और उसको समझ लें तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सबको ही अच्छा लगेगा और में आगे बढ़ने के लिए बहुत ताकत मिलेगी। तो अजय सर, विद योर परमिशन, क्या अभी शुरू करें? हम स्टार्ट करते हैं, कविता जी से शुरू करें, सबको हम लोग म्यूट कर देते हैं, बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। एक बार अनम्यूट कर लीजिए गुलाटी जी। जिनको आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, वैसे तो वो पहचान की मोहताज नहीं है किसी पहचान की, उनको लोग सब जानते हैं, पहले से जानते हैं, पहचानते हैं, फिर भी जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं, डॉक्टर कविता राजेंद्र चंद्रन जी, चंदन जी, डॉक्टर कविता राजेंद्र चंदन जी, और शी हैज डन बीकॉम पीएचडी इन योगा फिलोसफी, शी हैज बीन सुजोक मास्टर आर्टिक प्राणिक हीलर रेकी डिग्री वन। She has been practicing acupuncture for last three decades. इतनी तो मेरी उम्र भी नहीं है जितना टाइम से ये कर रहे हैं। And she has also been associated with Ghat Koper Brahman Samaj from last 20 years. She has taught in Victoria Blind School, have treated numerous patients with all sort of ailments, and taken numerous workshops as well. She has more than 5,000 students globally. Or she has been the organizer for Professor Park's seminars in Mumbai. And she also been awarded for teaching blind students in SIC. In last time SIC, she has been awarded. देखिए इनके लिए जितनी भी बात कही जाए जब वो कम है। कविता जी को जब मैं देखता हूँ तो वो सच में एक कविता ही है, मतलब उनके हर काम में कविता है। जब मैं सुजोक को लेके वो उसको गा रही हैं, उसको गुनगुना रही हैं, उसमें ही घूम रही हैं, उसी में ही सब कुछ उनको मैं महसूस करता हूँ, तो हर वक्त स्माइल खूबसूरती उनकी पहचान है। तो मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए कविता जी को कहूंगा, प्लीज आप अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करें, प्लीज कविता जी। नमस्ते अजय सर और गुलाटी जी। ये जो गुलाटी जी दीपक सर हैं, उनको वो खुद ही दीपक है, तो कहते हैं कि सूरज ने कभी अंधेरा नहीं देखा, वैसे ही दीपक कभी अंधेरा तो देखते ही नहीं है, तो उनको हर एक के अच्छाई दिखती है और वो जहाँ जाते हैं वहाँ प्रकाश ही प्रकाश होता है, तो दीपक ने कभी अंधेरा नहीं देखा। वैसे सर आपने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें की, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत ज्यादा आपका शुक्रिया। अजय सर आपका भी बहुत शुक्रिया कि ये इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म हमने जो क्रिएट किया है कि जहाँ हम मिलते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। एक ऐसा हमने सुना है कि ये हम जो गुरु गुण गाते हैं उसका एक बहुत अच्छा फायदा कहा गया है हमारे पुराणों में भी। जैसे व्यास जी को बहुत सारे नहीं मिली, तो नारद जी ने उनको भागवत रचने को बोला। जैसे हम लोग जो दीपक सर ने बताया कि हम लोग सुजोक तो जान लेंगे, लेकिन फिर भी ना वो टेस्ट हमें जो आना चाहिए ना, कि जितना हम गुरु गुण गाते जाएंगे ना, वो मिठास जो है ना हमको प्रोफेसर की लगेगी कि हाँ कितने मीठे थे हमारे प्रोफेसर। तो मैं आपके साथ ही स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ, सीइंग विथ माय क्लोज आईज। प्रोफेसर को ना हम खुली आंखों से देख ही नहीं पाए,
हम बंद आंखों से ही देख सकते हैं, क्योंकि जब वो थे ना तब हम एकदम बच्चे से थे कि ऐसे उनके साथ ऐसे बच्चे ही रहे, और उन्होंने ना ऐसे बच्चों के जैसे ट्रीट किया, और बस इतनी बड़ी बड़ी बात है, एकदम सिंपल। सुजोक मतलब क्या, हैंड एंड फुट हम कहते हैं, बट हैंड एंड फुट का मतलब है सिंपल, एकदम सिंपल मतलब सुजोक। और जैसा सिंपल सुजोक है ना, वैसे ही सिंपल थे प्रोफेसर पार्ड्यू, कि जो खुली आंख से नहीं, सही में बंद आंख से और नजदीक से ही हम देख सके। बहुत नजदीक होते हुए भी ना, वो बोलते ना, वो एक गीत है ना, अपना आंखियों के जरूरतों से जो देखा मैंने सांवरे, तुम बहुत दूर नजर आए, पर जब हमने आंखों को बंद किया, बंद करके जरूरतों से, तो आप इतने नजदीक आए। अगर ये एहसास हम सब सुजोक थेरेपिस्ट को होता है, हमने उनका फोटो देखा हो या ना भी देखा हो, तो हमें 100% ऐसा लगे ही लगे कि हमने प्रोफेसर को देखा ही है। तो प्रोफेसर सब ऐसे थे, वैसे थे, कैसे थे, तो बहुत फर्स्ट में कैसे मिली प्रोफेसर का, 1992 में मैं एक्यूप्रेशर सीख रही थी, तो उस टाइम आरोग्य संपदा में उनका है पहला इंटरव्यू था, तो कोइंसिडेंटली वो भी मैंने पहली बार देखा था, जब वो आरोग्य संपदा करके रात का 10-10:30 बजे एक डॉक्टर आते थे, वो सारे ऐसे हेल्थ रिलेटेड लेते थे, डीडी नेम, डीडी चैनल था, मुंबई लोकल मराठी चैनल थे, और इंग्लिश में प्रोफेसर का इंटरव्यू था, और उसमें सारा सुजोक बताते थे, जबकि हम जय भगवान एक्यूप्रेशर सेंटर में जोनोलॉजी पढ़ते थे। फिर हम जो एक्यूप्रेशर न्यूरोथेरेपी वगैरह करते थे, वहां पे रामबाग करके माटुंगा में मुंबई में जगह है, वहां पे 1993 26 अगस्त को प्रोफेसर पाड्यू खुद अपना इंट्रोडक्टरी सेमिनार देने आए, और एकदम एनर्जेटिक, और अपना रेड बुक सबको दे रहे, आफ्टर सेमिनार सबको रेड बुक में साइन करके दे रहे थे। हाँ, और फिर उनका फर्स्ट सेमिनार 1994 में हुआ, उससे पहले एक मोहन सर का सेमिनार हुआ, उसमें भी बहुत से लोग थे, 150 जितने सारे बहुत अच्छे थेरेपिस्ट और सब लोग थे। फिर तब ये सेमिनार डॉक्टर अरुण, श्री अरुण भाई चांदे ने रखा था, जो अभी ही 6 महीने ही हुए अक्षरधाम गए प्रोफेसर के पास, तो उन्होंने ये सेमिनार रखा था, और 93 में कुछ 13 लोगों को सुजोक थेरेपिस्ट का अवार्ड दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया था, तो तब एक अपना भी नंबर लग गया। तो उस वक्त क्या एक पैरालाइज पेशेंट 60 से ठीक हुआ था, हीट विन हीट टोनिफिकेशन ड्राइनेस सेडेशन, सिंपल सा फॉर्मूला, लंग में और हार्ट में और ब्रेन में, अभी तभी सीखे थे, आए थे तभी ही सब्जुगेशन एंटी सब्जुगेशन करके, और वो लेडी पहले ही दिन व्हीलचेयर पे चेयर पे आई और चल के गए, आस पड़ोस में हल्ला मच गया कि ये तो कुछ जादू कर रहे हैं। एक्चुअली करना उनको सुजोक था, इसलिए ये होता है उनकी मर्जी से, और फिर ये जर्नी चालू रहती गई, कंटिन्यूज रही। सो उन्होंने ये जो थेरेपी है वो, फिर प्रोफेसर का हम जानते हैं, जैसे 2004 में स्माइल इंट्रोड्यूस किया, फिर 2004 में चेन्नई में पूरा ताइची और जिम्नास्टिक एकदम प्रैक्टिस किया, 2003 में जयपुर में किया था, और फिर 2004 में यहाँ पे भी ट्विस्ट थेरेपी और ताइची, और उनका ये कहना था कि आप गार्डन में जाओ और स्माइल ट्विस्ट वॉक करो और आपके पीछे लोग ऐसे चलें। अभी वहां से जाके आए ना, तो दिमाग में ऐसे के जैसे सुजोक पावरफुल है ना, वैसे ये भी होगा, और अगर उन्होंने बोला है तो करना ही पड़ेगा।
हम लोग आए कुछ फरवरी मार्च में, तभी घर में, तभी नया घर लिया था, सब घर में सारे कारीगर थे, प्लम्बर से लेके लादी बैठ रहे थे, इलेक्ट्रिक सब, लेकिन ऐसा था कि नहीं करना तो है, बेटा 9th में था और लगा करना है। तो फिर एक गार्डन में जो मॉर्निंग वॉक को जाती थी, एक बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग लेडी थी लेकिन जेंट्स के कपड़े पहने और बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग, कि मैं खड़ी हूँ ना, आजा तू कराने, देखती हूँ मजा आ जाएगा। फिर 22 अप्रैल 2004 को मैंने फर्स्ट ट्विस्ट क्लास, मेरे पीछे ही गार्डन है लाइंस गार्डन, उसमें स्टार्ट किया। तो पहले दिन तो गए, क्योंकि मैं ऐसी पर्सन नहीं कि मैं ट्विस्ट करूं, इतना तो एक गुजराती फैमिली में हमको इतना अलाउड नहीं होता है बाहर, मतलब गरबा खेलते हो दैट्स इट, उससे ज्यादा वो भी पेरेंट्स साथ में खड़े रहते हैं कि किसी से हंसना नहीं है, आंख ऊपर नहीं करनी है, ऐसे माहौल में बड़े। तो वहां पे पूरा किया, तो वहां पे एज ग्रुप था 16 साल से लेके 70 to 75, 80 years, और लोग योगा भी करते थे, कई लोग क्रिटिसाइज भी करते थे, इतने सारे लोग हमारे साथ रहते थे तो लोगों को ऐसे क्रिटिसिज्म भी आता था कि ये तो आप ना ऐसे क्रीपर के जैसे ग्रो कर रहे हो और ऐसे ही चले जाओगे। और फिर बहुत अच्छे से लोग जुड़ते गए, हमारी संख्या बढ़ती गई, फिर एक लोग दूसरे लोगों को बोलते गए, और 2004 हमारे पास कुछ 450 से 500 स्टूडेंट्स हो गए थे। मतलब पागलपन था कि जो बुलाए ना कि आप आओगे हमारे उधर कराने, तो बोलते थे कि हाँ आप 10-20 लोग इकट्ठा कर लो तो हम आ जाएंगे, बोले हाँ आ जाओ। तो सुबह 5:45 बजे मैं यहाँ कराने जाऊँ, तभी ऐसा लगे कि मैं अकेली पागल हूँ दुनिया में, सारे सोए हुए लोग अकलमंद है। पर जब मैं वापस आऊं ना 7:45 बजे, तब मुझे लगे इतनी फ्रेशनेस कि मैं एक ही अकलमंद हूँ, बाकी सोए हुए लोग तो सोए ही हैं। क्योंकि जब हम फील करते हैं ना कंटिन्यूस, जब आप भी करते हो तो जैसे ऐसे ही अभी हाथ रख दो और फील करते हैं ना, और प्रोफेसर का खाली याद करते हैं ना, तो अपने आप आपको ना आपके हाथ न्यूट्रो एनर्जी वाले लगते ही हैं, क्योंकि आप खड़े रहते हो तो पीछे वही आ जाते हैं। आपको खाली वो बोलते हैं ना रेडियो को, खाली वी आर जस्ट अ रेडियो कनेक्शन, तो सिम कार्ड से वो उन्होंने सिम कार्ड डाला है, क्योंकि उनको बोलना है तो सारा माध्यम तो वो तैयार ही रखते हैं। ये फील हमें होता है जब हम खड़े रहके, अभी भी मैं बोल रही हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कुछ मेरा नहीं आ रहा है, राइट? तो ये 2005 तक तो बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, तब तक ऐसे डायरेक्ट बात नहीं होती थी। हाँ, जैसे सबके साथ मैं हमेशा पीछे, मैं हमेशा घर का काम निपटाते जाओ और पीछे बैठने मिलता था, तो दोस्त ऐसे ए पार्ट दो पार्ट हो ना तो मैं लास्ट में बैठूं, और फिर जैसे सेमिनार स्टार्ट हो जाए तो बीच वाले रो में मैं ऐसे बैठ जाऊं तो दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस ना है, ऐसे मेरी आदत थी। तो बस ऐसे, और फिर जैसे ब्रेक हुआ फर्स्ट डे, तो ऐसे हिम्मत करके गई, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता कोई उनसे गप्पे टप्पे मारने, क्योंकि वो हमेशा अपने ट्रांस में ही रहते थे। तो फिर मैंने उनको बताया ऐसे, मतलब एक सेशन भी था कि कौन ट्विस्ट कर रहा है, पढ़ा रहा है, क्या है, पूछ रहे थे, तो मैं खड़ी होके बोली। और फिर मैंने उनको बोला कि आप स्टूडेंट्स को मिलोगे, तो बोलते हैं कि why they have not joined my seminar, तो मैं बोली कि वो तो जनरल पब्लिक है, उन्होंने ट्विस्ट और ताइची सीखा है। ओके, तो बोले कि फाइन कल सुबह लेके आओ, मतलब एक दिन दिया कि उस दिन सुबह लेके आओ, 4-5 दिन की तो अपनी फर्स्ट लेवल की क्लास होती है।
तो फिर मैं सारी लेडीजों को बोली के सारे बड़े सब ग्रुप में कि जिसको भी प्रोफेसर को मिलना है तो सब रेडी, मैं मामाए बोली सब आ जाओ, जितने पहुंच सके वो सब आए, मस्त सारे गुजराती सारे कास्ट थे, सब तैयार होके आए प्रोफेसर को मिलने। उसमें टीवी एक्ट्रेस की वाइफ भी थी अपनी मोनिशा, सब लोग थे और सब आए और प्रोफेसर को मिले। तो प्रोफेसर उनको मिले और फिर गए सब। जब गए सब, बाद में मैं घर पे आ गई, सेमिनार में कुछ बात नहीं की। फिर शाम को 6 बजे एक फोन आता है, फोन यू नो, हेलो कविता चैन गान, यस प्रोफेसर पार्क जे वो स्पीकिंग। बाप रे, मैं एकदम ब्लैंक। मैं बोली यस प्रोफेसर। ओ दैट ऑल स्टूडेंट्स फेस आर स्माइलिंग and all is grow smiling and so bright like a flower, so can you come and meet me, you know where is your house where I am staying, or us work by chance maine unka wo arrangement kiya tha chembur gymkhana mein jo mere ghar se aise 20-25 minute dur hai, lekin professor ko milna ho तो वो तो कितना भी दूर हो अपन पहुंच जाए। लाइफ में फर्स्ट टाइम तो हम रोज याद करें, लेकिन भगवान का फोन आया तो वो जो क्या ऐसे हम प्रार्थना करते हैं कि हम तुझे बुले तू ना बुलना, वैसे प्रोफेसर का फोन आया। प्रोफेसर का फोन आने के बाद मैं जंप करूं जोर जोर से और मेरा बेटा बोले माँ क्या हुआ, मैं बोली प्रोफेसर पार्क जी उनका फोन आया। बाप रे, और इतना मस्त। फिर वहां पे गए सब किया तो बोले कि वी विल डू वन सेमिनार, और फिर 2004 का वो सेमिनार दिया और मुझे बोले कि हम 1 घंटे मिलेंगे, तुम हॉल अरेंज करना। मैं बोली ओके। फिर बोलते हैं नॉट 1 आवर 2-3 आवर्स नॉट मे बी मोर। हमने ना वो जॉली जिमखाना में हम मेंबर हैं, घाटकोपर का एक बहुत प्रतिष्ठित जिमखाना है, तो उसमें उनका सेमिनार पूरा अरेंज किया नाश्ते के साथ और वहां पे आए ऐसे फास्ट सारे एजुकेशनिस्ट, सोमया मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सोमया, शांति बाई सोमया, समीर सोमया, सोमया के साथ सिस्टर्स, उनकी इच्छा थी कि मुझे इंट्रोड्यूस करना है। वी वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस प्रोफेसर पार्ड्यू टू ऑल सेलिब्रिटीज इवन टू ऑल ऐसे, और वो उनका सपना एक ऐसे लगा कि ड्रीम कम ट्रू उनका हुआ। और हम लोगों ने तो ऐसे हमारे स्टूडेंट्स के हिसाब से 300 तक चेयर्स का बोला था, तो बाप रे बाद में तो पब इतने लोग आ गए। अच्छा। सोमया एमबीए कॉलेज के प्रोफेसर कावड़िया सर सारे ऐसे, और बाहर देखो तो मैं मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन हर बड़ा आदमी घाटकोपर के, तो हर कास्ट के प्रेसिडेंट, हर एमएलए भी आए थे और सब 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 आए थे। मतलब स्टूडेंट्स ने ही सबको इनवाइट किया था, और क्योंकि मैं तो 7 फरवरी को भोपाल 2005 में अपना सेमिनार खत्म हुआ 6th को, और 7th को मैं इधर आई, तब मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं, मैं तो 17 दिन उधर थी 1 से 17 और अपने मस्त स्माइल सेमिनार में, और यहाँ पे सारे अरेंजमेंट और सब। जब मैं फर्स्ट टाइम उस वक्त प्रोफेसर पाटजो के साथ में फ्लाइट में भी जर्नी की, और उस वक्त फ्लाइट में उनका ये एक सेंटेंस मुझे बहुत याद आ रहा है जो हमें सबको बहुत ही याद करना है
ये मैं लिखना पीपीटी में भूल गई हूँ कि कविता चंदन, वी आर वेरी रिच, वी आर वेरी रिच विथ व्हाट? विथ ट्राई ओरिजिन, वी हैव ट्राई ओरिजिन, सो वी आर वेरी रिच. तो मैं बोलती थी यस यस प्रोफेसर, यस यस. पर अब जब ट्राई ओरिजिन अपने पास जो है ना इतने सालों से, तब लगता है जब मैंने ये पीएचडी किया ना, उस वक्त जो वेद उपनिषद में या अपने पूरे छह शास्त्रों में वैशेषिक सांख्य योग, वैशेषिक न्याय, वेदांत और मीमांसा में जो चीजें लिखी हैं, उनको जो इजी वे में प्रोफेसर पाटजी ने ट्राई ओरिजिन में समझाया है, कि जिसके बाद ना हम कोई भी शास्त्र बहुत बहुत अच्छे से समझ के पढ़ सके, ऐसा मैं जरूर कहना चाहूंगा. और वो हर वक्त अपने साथ है विद ट्राई ओरिजिन. सो वो हमेशा ही कहते थे विद ट्राई ओरिजिन वी आर वेरी रिच, विद ट्राई ओरिजिन वी आर वेरी रिच. फुल फ्लाइट की जर्नी में भी ना वो विंडो के पास ऐसा ऐसा कुछ लिखते रहते, और मैं उस वक्त ऐसे विंडो में झुकना चाहती तो वो ना ऐसे हट जाते और मैं ऐसे विंडो में झुक के देखती. और वैसे मैं, मुझे एक ही था, मुझे कुछ और नहीं दिख रहा था उनके सिवाय, क्योंकि ना मैंने हर वक्त ड्रीम में सोचा जरूर था कि मैं प्रोफेसर के साथ जाऊंगी, मेरे घर प्रोफेसर आएंगे, फिर आएंगे तो ये विंडो में जा, वो सब पेड़ लगे हैं, ये नेचर उनको अच्छा लगेगा. और वो सपना सही में प्रोफेसर ने बहुत दुआ से सुना था कि बिल्ली के जूठे बेर खाने राम आते हैं, और जरूर में राम आते हैं. वो प्रोफेसर के आते ना मेरे को बहुत ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, जब वो खाना खिलाते ना तब वो ऐसे ही लगता था, बोल कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं. सही में ना वो ऐसे ही थे एकदम ऐसे. मैंने सुबह में जल्दी जल्दी तैयार हो जाते थे सेमिनार के लिए, फिर ब्रेकफास्ट टेबल पे भी ना झट से आ जाते थे ऐसे, और चलते ऐसे थे ना कि आपको ऐसे ही महसूस हो कि यहाँ से यहाँ आए, बीच में अपने को दिखे भी नहीं. ऐसे ही उनकी सिद्धि थी जो अपन योग के तीजे पाद में विभूति सिद्धियां उनको हासिल थी. जैसे आप पंकज और भूपिंदर भी बोलेंगे कि उनको ना बहुत लंबे से क्या बोल रहे हैं ना वो भी सुनता था. और फट से ब्रेकफास्ट को आएंगे, और कोई भी ना सो अपने आप को जो स्माइल स्वामी बोलते थे ना, तो स्माइल स्वामी के सारे गुण उनमें, मतलब एक सिद्ध स्वामी के, जैसे हम बोलते हैं ना अपरिग्रह, तो जबान का तो बिल्कुल स्वाद नहीं, कभी कुछ कटकट नहीं, अपने को इतना टेंशन है कि नमक वमक बराबर है कि नहीं, वो चक चक के देते थे कि ये तो बोलने वाले में नहीं है, और फटफट 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 खा लेंगे, भाया नहीं भाया, जैसा खाना खा लिया वैसा बोलते थे एंजॉय एंजॉय, ऐसे बोला बहुत अच्छे से. वो खिलाने वाले को ना इतना संतोष, पर वो खाए इतना लिमिटेड कि अपने को लगे और खाए, इनफ, ऐसे बोल देते थे इनफ, माय स्टमक इज वेरी स्मॉल, ऐसे थोड़ा खाना खूब काम करना, ऐसा बोलते थे. लिमिटेड फूड, आई वॉन्ट टू वर्क सो नो फूड, ऐसा लिमिटेड फूड, ऐसे खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना, ऐसा उनका फंडा था. ब्रेकफास्ट में दूध लेते थे,
साथ में टो लाइट टोस्ट वाला ब्रेड लेते थे, क्योंकि जैसे अपने को लास्ट सेमिनार में दिखाया था ना कि मुझे लिमिटेड ऐसे डेंचर था, तो एक बार ऐसे ही ना लास्ट 2010 में ही रात को 7 बजे अपना दरवाजा धीरे से, क्योंकि ना वो आते एकदम ऐसे थे कि मैं बाहर ही अब बैठी थी, क्योंकि वो आए और अपन नहीं हो बाहर और उनको कुछ चाहिए, तो मैं हॉल में ही बैठती थी, यहाँ पे ये मेरा हॉल है और वो ये पीछे ये जो वॉल दिख रही है उसके सामने की वॉल के पीछे उनका बेडरूम, तो हल्के से दरवाजा खोल के आए तो मैं एकदम मैं ना थोड़ी पट्टू मैं एकदम ऐसे कर गई, तो मुझे बोलते करके वापस दरवाजा बंद करके चले गए। फिर मैं बोली नो नो आई एम कंफर्टेबल व्हाट यू सेड, तो बोले आई वांट टू शो माय माउथ सी माय डेंचर इज देयर। तो नाश्ते में मिल्क लेते थे, ब्रेड हल्का सेका हुआ लेते थे, हल्का रोस्टेड, कभी वो साथ में ऑमलेट लेते थे और वो भी सॉफ्ट हो वैसा, और राइस लेते थे और उनको ना छोटे राइस पसंद थे, छोटे राइस, ऐसे बड़े राइस कम पसंद थे, क्योंकि वो कहते थे कि कोरिया के अंदर छोटे राइस मिलते हैं विच इज वेरी न्यूट्रिशियस, तभी ना ऐसा कुछ मिलता नहीं था अमेजोन वगैरह, नहीं तो अपन मंगाते थे ना, ऐसा भी लगता है। और डोसा बहुत पसंद था, डोसा ऐसे अपन डोसा बनाते थे तो पूछते थे व्हाट इज दिस राइस पैन केक, ऐसे बोलते कि अपन बोलते थे कि डोसा बनाती थी बाहर का कभी नहीं लाती थी, और डोसा डोसा व्हाट यू मेक, तो मैं बोलती डोसा यू लाइक, ओ लाइक लाइक मतलब लाइक कभी बोलना नहीं है, ऐसे शब्द तो बहुत नाप तोल के बोलना, तोल मोल के बोल, और थोड़े से डोसे खाते थे, कभी कोकोनट चटनी लेते थे अदरवाइज नहीं लेते थे, सांभर भी कभी खाए कभी नहीं, सब्जी में कैबेज का ऐसा कच्चा पक्का करके दे दें तो लेते थे, और अपने साथ स्पाइसी चटनी लाते थे जो अपने फूड में लेके वो सर्वाइव करते थे, और फिर हम भी उनके लिए स्किल मंगाते थे बाहर से, और बहुत सिंपल डाइट था, बटर ऑयल स्पाइसी ऐसे बची बची नहीं खाते थे, और नो शुगर, शुगर उनको पसंद नहीं था, अपन कभी पूछे आइसक्रीम खाएंगे या मिठाई, आई एम टू स्वीट, I am too sweet, so I don't want sweet. Okay. Yeah, I am too sweet. बहुत मीठे ही थे, बहुत ज़्यादा मीठे थे. तो मैं कहती थी, yes, professor, you are too sweet. Really sweet, मतलब बहुत ज़्यादा sweet थे. और orange juice पसंद था, mango पसंद था. फ्रूट में ना ऐसा वो रास्बेरी आते हैं ना, रास्बेरी ऐसे छोटे छोटे नहीं आते हैं येलो कलर के, वो बहुत पसंद है, मैं लिखना भूल गई मुझे अभी याद आया, तो वो रास्बेरी बहुत पसंद थी, वो खट्टे टमाटर जैसे लगते हैं ना आपके नॉर्थ में तो बहुत मिलते हैं, रास्बेरी पसंद है, कभी स्ट्रॉबेरी लेते थे अदरवाइज क्या स्वीट होता तो नहीं लेते थे, बाकी ऑरेंज जूस उनको बहुत पसंद था, और मैंगो, और मैंगो ट्री के बहुत ज्यादा फैन थे। अच्छा। हाँ, जैसे ना हम लोग उनका दीपक जी हर साल 1 जनवरी 2006 से हम साथ में करते थे, 31st नाइट को हम उनको पिकअप करने एयरपोर्ट जाते थे। अच्छा। और 2008, 2009, 2010 yes, yes, yes. ये साल 31st को हम जाएं, हम पिकअप करें 12 बजे, हम लोग सब स्माइल मॉर्निंग स्माइल न्यू ईयर, और सब साथ में घर पे आए, और फिर 1 जनवरी का सनराइज हो ना तो बोले सी राइजिंग सन, फर्स्ट राइजिंग सन विथ यू, This year's first rising sun with
और स्माइल फैमिली ऐसे बोलते थे मेरे हस्बैंड राजू को और अभिषेक को, ऐसे ना करते थे। आज भी ना 1 जनवरी साथ में आ जाते हैं और हम एकदम, अभी कभी कहाँ बाहर नहीं जाते हम घर, बहुत ज्यादा मीठे थे ना। फिश नहीं पसंद था, क्रैब बहुत चाव से खाते थे और उनको ना इंस्ट्रूमेंट से क्रैब खाना भी बहुत अच्छे से आता था। हाँ, इंस्ट्रूमेंट से बहुत अच्छे से खाते थे और अपने को एक्सप्लेन करते थे। ये जो क्रैब मेडिटेशन उन्होंने दिया था कि जैसे क्रैब का पाँव जाता है और वापस आ जाता है, वही एफिशिएंसी हमारे में है और वो स्माइल मेडिटेशन से हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे परफेक्शन की ओर जा सकते हैं, वो क्रैब खाते खाते उन्होंने ढूंढा। और सेकेंड डे मुझे बताया कि मैंने वही रात को जाग के पूरा क्रैब मेडिटेशन, उन्होंने वो पूरा धुन बना लिया। और फिर मुझे सेकेंड डे बोलते हैं कि हम आज ये मेडिटेशन कराएंगे। और फिर उन्होंने यहाँ पे पारस धाम में जहाँ उनका सेमिनार था 2006 या 7 में, तब उन्होंने 6 में तब उन्होंने फर्स्ट वो स्माइल मेडिटेशन सेमिनार में किया। फिर मुझे बोलते हैं, फिर मैंने उनको बोला कि हम ये स्माइल सीरीज सबको गिफ्ट करें, तो बोले तुम कर पाओगी? मैंने बोला हाँ, इट्स वेरी नाइस, वी विल गिव देम सो दे कैन हैव समथिंग विद देम। और फिर हमने वो सेमिनार में सीडी और जो प्रोफेसर ब्लू टी शर्ट पहनते हैं वो टी शर्ट और सीडी सबको गिफ्ट की, तो इतने खुश हुए कि यू वांट टू गिव एवरीबॉडी वन, से नो दिस इज योर समथिंग ना पीपल विल हैव। तो उनको बहुत अच्छा लगता था, जो भी उनको मिलने आते हम उनके हाथ से ना वो रिंग दिलवा, मैं रिंग दिलवाती, वो रिंग देख के ना हमेशा एक स्टोरी बताते थे। ये स्टोरी हमें जानने जैसी है इसलिए शेयर करती हूँ कि दिस रिंग आई डिजाइन, व्हाट ही सेड ना, प्रोफेसर कहते थे ये रिंग का ना मैंने डिजाइन किया है। सो दिस एंड हम जो रिंग देते थे ना वो बोलते थे दिस इज द बेस्ट रिंग इन द वर्ल्ड, मॉडर्न वाले जो कलकत्ता वाले हैं, थैंक्स टू देम कि वो उनसे मैं रिंग मंगाती थी, तो उनके रिंग उनको बहुत पसंद आते थे, तो बोले दिस इज वर्ल्ड्स बेस्ट रिंग, वेरी नाइस। और जो भी प्रोफेसर को मिलने आता ना, मैं हम क्या दे सकते हैं ना, हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन है ना कि गुरु के हाथ की कोई छोटी चीज भी हमें एक मेमोरी रह जाती है ना, तो मुझे ये चीजों का बहुत सब वैल्यू रहता है, तो मैंने ना सबको मैं आते थे उसको मिलवाते थे। कभी उनको कुछ नहीं भी पसंद आए ना तो दीपक जी वो कैसे खा लेते थे, या अपना कुछ तबीयत ठीक नहीं हो तो पानी में राइस डालेंगे, राइस में थोड़ा पानी डालेंगे और खटखट खटखट खा जाते, बस फिनिश, आई एंजॉयड। और उनको वो भाता था, एक्चुअली वो भाता था, पतले पानी वाले राइस ना, उनको गर्म पानी भी नहीं, अपन आगे पीछे हो तो वो अपना पानी डालते खटखट खटखट खा ले। पर उनको ना ये नहीं भाता कि हमारे यहाँ कैसा तहजीब होता है कि हम परोस के सामने खड़े रहते हैं, उनको वो ना अच्छा नहीं लगता था कि अपन वो खाए और खड़े रहे, पता नहीं उधर का वो ट्रेडिशन होता होगा, तो हम थोड़ी साइड पे रहते थे ऐसे कि कब उनको जरूरत हो तभी देखने का, ऐसा तो फटफट फटफट डाल चावल में पानी डाल के, ऐसे स्वाद का तो कुछ इम्पोर्टेंट ही नहीं, और खटखट खा लेते थे। और ना 2007 या 2008 में उन हम लोग एक जगह बाहर गए थे किसी को मिलने, तो फिर होटल में खाए, तो चॉपस्टिक्स हमने पूछा उनको आप चॉपस्टिक्स से खाओगे, तो बोले हाँ। एंड उस टाइम बोले थे कि ईटिंग विद चॉपस्टिक इज वेरी गुड फॉर ब्रेन, हाँ। और फिर मैंने तुरंत ही 2 पैर चॉपस्टिक्स के मंगा लिए थे, मेरे पास आज भी पड़े हैं, तो वो चॉपस्टिक से खाते पर एक दाना भी ना चावल का थाली में नहीं रहता, चॉपस्टिक से इतना मस्त उनकी आदत रहती है ना इन लोगों की, तो वो खाते और ऑलवेज इन हरी, खाना भी फटफट खाया, झटपट खाया,
ओके फिनिश बाय एंजॉय ऐसे बोल। जैसे जैसे आप बोल रहे हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ऐसे लग रहा है प्रोफेसर ही करके बता रहे हैं। माय गॉड, सही में यही रूम में ना, यही रूम में करते थे। यहाँ पे मैं जो चेयर पे बैठी हूँ ना दीपक जी, वो चेयर पे उनके फोटोग्राफ्स हैं। मैं थोड़ा साइड हट के आपको चेयर के भी दर्शन कराती हूँ। तो ये इनका फेवरेट चेयर था, खाना खाने के बाद यहाँ पे बैठेंगे, ऐसे बैठ के बातें करते थे, इसलिए ना मैंने ये चेयर इनके फोटो के नीचे ही रखा है। और कभी भी ना कुछ अपने को क्वेश्चंस हो ना, तो ये चेयर पे हम बैठ जाते हैं, तो ना जैसे लगता है कि उनकी गोदी में बैठे हुए हैं। ये चेयर अभी मतलब बहुत, अभी 10 साल तो उनको हो गए, तो पहले का बनाया है, पर ना ये फील बहुत अच्छा करता है, तो ये इसका वो चेंज करने का मन नहीं होता, वो ऐसा ही रखना अच्छा लगता है। बोली ना मैं वैसे ही आफ्टर एवरी मील ऐसे बोलते थे एंजॉय, और फिर खाना खाने के बाद थोड़े टाइम पे बैठते थे बाहर, और स्वीट नहीं खाते थे, सौंफ बॉफ नहीं खाते थे, कुछ भी नहीं पसंद करते थे। और फिर देखना हो तो एनिमल प्लैनेट या डिस्कवरी देखते थे, और वो भी ना ऐसे देखते थे एकदम ऐसे। जब 2009 में प्रोफेसर ने भी ये जिक्र किया हुआ है अपने लेक्चर में, जब 2008 या 9 में हम लोग एक फार्म में गए थे, वहां पे एक बिल्ली को प्रेग्नेंट डिलीवरी आने वाली थी, और वो फार्म में वो बिल्ली के पीछे, वो बिल्ली अपने मालिक के पीछे पीछे घूम रही थी, और हम उसके घर के बाहर बैठे थे, तो वो उसको इतना अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे। और फिर उसने डिलीवरी की, तो वो जगह पर भी जाके देख के आए, और उसके बाद उन्होंने पूरी डायरेक्शन थेरेपी हमें दी। तो उस वक्त का उनका ऑब्जर्वेशन डिफरेंट ही था, कि वो बिल्ली किस तरीके से ग्रेविटी में बैठी, और अपने आप अपने फोर्स को इनवाइट करके उसने कैसे अपनी डिलीवरी की, वो बहुत अच्छे से वो उनको समझ जा, मतलब सी उनके लिए कुछ भी चीज ना, नो वर्ड्स, ऐसे जहां पे शब्द खत्म होना, जहां पे अपनी नजर बंद हो, वहां से शुरू होते। ऐसे हम लोग फार्म में गए थे, उस वक्त भी ना हम सुबह में जल्दी उठे, फिर बोले मैं वॉक करके आता हूँ, फिर वॉक करके आ जाएं, फिर हम वो प्लेस देखने जाएं, तो फिर ऐसे ऊपर चढ़ान हो, तो वो नहीं रास्ते बने हुए रहते हैं ना, तो मुझे बोलते हैं Don't go with that path. Follow me. Follow my path. और मैं भी ना, मैं भी चालक, मैं भी बोलू I don't see any path, only your path. और ना यही एक्चुअली दिमाग में बैठ गया है। या प्रॉब्लम क्या होती है, किसी की भी पढ़ाई ना अभी कान में नहीं जाती है, ये प्रॉब्लम हो जाती है कई बार ना। कई चीजें सीखने की अभी ट्राई करते हैं, पर अगर वो ट्राई ओरिजिन और उसके आसपास है तो घुसता है, नहीं तो वो दिमाग के दरवाजे ना वो ऐसे है, सिर्फ इतना ही दिखता है, इनके सिवाय ना मेरे सिवा और कुछ याद नहीं, बस यही है, बस के अंदर सब कुछ आ जाता है। हाँ, और ना और बस और ना ऐसे लो। और एक चीज बताना चाहूंगी कि अपन लकड़ी कैसे रखते हैं, कि मोटा पार्ट हाथ में पकड़ते हैं और पतला पार्ट नीचे पकड़ते हैं। प्रोफेसर मोटा पार्ट हाथ में और पतला पार्ट नीचे, वाई हेड्रो डाउन होमो हाथ में। ओह माय गॉड, ये उल्टा उल्टा है उनका। सो
होमो हाथ में नीचे है ऐसे, लोग नीचे मोटा ऊपर पतला पकड़ते हैं, प्रोफेसर उल्टा। तो ये एक और इससे, और ना लकड़ी हमेशा अपने हाइट की होनी चाहिए, लट्ठे जैसे लेते हैं ना हरियाणा वाले, वो सही है, छोटी लकड़ी से बेंड हो जाते हैं, ऐसा वो चीज बोलते थे। तो लकड़ी की हाइट अपनी इतनी हाइट को होनी चाहिए, अपन बूढ़े हो तो ये याद रखें। हाँ कभी भी ना कपड़े के बारे में बहुत ज्यादा सिंपल, इतना सा बैग लेके आते थे और बोलते थे आई एम कैरिंग वेरी स्मॉल लगेज। सही में उनका कोई लगेज ही नहीं है, कोई कर्म का लगेज ही नहीं, स्मॉल लगेज। उनका बैग हमेशा लास्ट में रहता था, इसलिए हम लास्ट तक खड़े रहते और लास्ट में वो आते, हर चीज फास्ट, कोई चीज स्लो नहीं। और राइजिंग सन उनको बहुत ज्यादा पसंद था, और उनको एक बात बिल्कुल नहीं पसंद हो, वो था फीडिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स। जी वो बोलते थे हम खुद हमारी खाने के लिए सक्षम नहीं है, तो व्हाई वी आर फीडिंग एनिमल्स, और वी आर फीडिंग एनिमल्स एंड वी आर डिस्टर्बिंग न्यूटो, ये ऐसे बताते। और क्रो साउंड इज नॉट प्रॉस्परस साउंड, ऐसे बताते थे। और एनिमल फीडिंग बिल्कुल उनको पसंद नहीं था, इवन वो बोलते थे कि फील्ड के आसपास, जो फील्ड हो अपने खेत उसके आसपास भी अगर बर्ड्स नेस्ट है तो वो निकाल देने चाहिए, बर्ड्स निकाल देने चाहिए। अभी ये जो अपन जो बर्ड फ्लू वगैरह देख रहे हैं उनसे उनकी बात कितनी सही है वो अपन जान सकते हैं। सो और पीसफुल एकदम कामनेस थी उनमें, उनको बिल्कुल बेमतलब की आवाज पसंद नहीं थी, ऐसे जैसे अपन वो जबला थैली नहीं अपना बैग जिसके आवाज आते हैं ना, वो उधर रूम में हो और ये रूम में इतनी बड़ी दीवार है, अगर हम वो बैग को बंद करते हैं उनका भी आवाज उनको आता है, और वो बाहर बोलते हैं डोंट मेक नॉइस, ऐसे डोंट मेक नॉइस, उतना पीस और काम, ऑलवेज साइलेंट बट स्माइलिंग। 2006 में जब वो बेंगलोर से आए तो हम लोग उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पे गए, तो ऐसे आए और फर्स्ट वर्ड हैव यू टिकल योर हस्बैंड, ऐसे हैव यू टिकल योर हस्बैंड, और आ गए सो यस यू शुड टिकल योर हस्बैंड, ऐसे राजू को ऐसे टिकल कर रहे थे। और फिर जितनी भी बार हम लोग वो जॉली जिम खाना में जहाँ पे 2005 में उनका इंट्रोडक्टरी रखा, 2010 तक बोलते थे आई हैव नेवर, मैंने इस टाइप का सेमिनार मेरी लाइफ में, ये मेरा एक ही है, लेकिन अभी बहुत से ऐसे हम सेमिनार करेंगे और बहुत लोग आएंगे, क्योंकि उस वक्त हमने एक्सपेक्ट किए थे 200-400, वो बहुत लोग आ गए थे, बहुत लोग, पूरा भरा हुआ था। मैं आपको शेयर करूंगी उसका लिंक, तो फिर अपन देख लेंगे वो पूरा। हमेशा ना ऐसे चेयर पे बैठ के हाथ और पैर देखा करते थे, लास्ट में तो वो टूथ पे जो ट्रायोरिजिन टूथ का था उस पे भी बहुत काम कर रहे थे, जैसे खुद को वो टूथ मुद्रा से बहुत हील कर रहे थे, और इट्स वेरी इफेक्टिव बताते थे, समझाते थे कैसे एनिमल प्लैनेट और डिस्कवरी देखते थे, वो ले लिया। फिर बहुत वेरी केयरफुल इन यूजिंग वर्ड्स, ये बात कैसे थी उनकी, जैसे हम फार्म में थे, मैं और प्रोफेसर एक फार्म में हम लोग गए जहाँ पे
हम रहे थे उनको ऐसी जगह लेने में था कि ऐसे स्माइल प्लेस स्माइल आश्रम करे, तो वो जगह देखने गए थे। फिर हम लोग 4-5 दिन वहां रुके भी थे। तो उस टाइम पे अपने बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था, वो दिसंबर में, वो ताज होटल का ब्लास्ट, और वो सारा उसके पहले बम्बई में वो सारा नॉर्थ इंडियन को भगाओ बम्बई खाली करो वैसा एक प्रो वो कुछ चला था ना पॉलिटिकल इश्यू, तो वो कुछ टीवी में चल रहा था, तो राज ठाकरे को दिखा रहे थे और वो सारा दिखा रहे थे वो जो फिर पूरी ताज में वो हमारी नॉर्थ की गैंग उतर के उन्होंने हल्ला किया था। तो न्यूज में आ रहा था कि अभी नॉर्थ इंडियन आए के जाए ऐसा बोल रहे थे ना, तो उस टाइम में मैं प्रोफेसर के वो ऐसे ही बैठे थे हम लोग रात के 7:30-8 बजे खाना खाके चैनल देख रहे थे। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि प्रोफेसर यू नो दिस पर्सन ऐसे इज अ पोलिटिकल पर्सन एंड इन मुंबई, तो वो खाली सुन लिए और ऐसे थोड़ा मुंह ना ऐसे थोड़ा अलग हो गया जैसे उनको अच्छा नहीं लगा हो। फिर मैं तो एकदम टेंशन में कि बाप रे क्या नहीं अच्छा लगा। फिर ना थोड़े टाइम के बाद दूसरे दिन ऐसे हर दोपहर में ना एक हम बाजू में बैठते थे फार्म में देखना बर्ड्स के बारे में, कम सिट हियर आई विल टीच यू ट्राई ओरिजिन, तो ऐसे बॉटल लेते थे और ट्राई ओरिजिन डिस्कस करते थे। तो मुझे बोलते थे आवर लैंग्वेज शुड नॉट बी आवर लैंग्वेज ऑल्सो लाइक वेरी पोलाइट, यू शुड नॉट ट्रिगर एनी बडी, यू सेड मी यू नो एवरीथिंग। हम नहीं बोलते कितना सहज होता है ये हमारा कम्युनिकेशन कि तुम्हें पता है ऐसे हम बोलते ना यू नो दिस यू डोंट नो ना दिस। तो ये इतना सूक्ष्म भी उनको नहीं अच्छा लगता था कि दिस इज हेट्रो ट्रिगरिंग, क्या तुमको ये सब पता है, क्या कोई ऐसा बोल सकता है ना। मैं जैसे अभी दीपक जी आपको बोलू आपको पता है तो आपको न्यूट्रो सिविलाइजेशन स्माइल सिविलाइजेशन, तो उसमें बहुत छोटी 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 चीजों को वो इम्पोर्टेंट देते थे, बहुत हम्बल, हर पर्सन को ना बहुत अच्छे से जान जाते थे और इतने हम्बल थे। अपने विशाखापट्टनम की एक स्टूडेंट है अरुणा जी, बहुत अच्छी स्टूडेंट है, बहुत स्पिरिचुअल है, वो निरंकारी जी में मानती है, तो वो उनके गुरु को ना मिलवानी चाहती थी और वो गुरु भी बहुत अच्छे थे। वो भी अभी अक्षरधाम गए प्रोफेसर के पास, तो वो ना आए अपने घर और प्रोफेसर को मिले तो एकदम ऐसे झुक के बैठे थे ऐसे, हाँ ऐसे, और वो प्रोफेसर के बखान पे बखान करे, पर ये ऐसे आंख उठा के नहीं देखना ऐसे, हाँ हाथ ऐसे और ऐसे, और बोलते गए कि ये ऐसा, वो बोलते थे पार्क यू डिड वंडर, आपने जो काम किया है हम तो खाली बातें करते हैं, आपने तो वो करके दिखाया, आपने हर एक इंसान को ऐसे हीलर कर दिया, सो मेकिंग अ हीलर इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। और वो इतने बखान करते थे, बहुत बुजुर्ग थे, 85+ के एज के थे, और प्रोफेसर को मिलने आए तो वो ऐसे झुके झुके झुके, और उन्होंने बहुत प्रोफेसर को ब्लेसिंग भी दी और एकदम नॉर्मल, जरा भी मुंह पे ईगो नहीं, कुछ भी नहीं, वेरी सिंपल वेरी हम्बल, और झुक के ऐसे अपनी प्रशंसा सुनने का बिल्कुल शौक नहीं। दूसरा ना उनको वीडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसे जैसे 2006 में सेमिनार टर्न दिस वीडियो 180 डिग्री ऐसा बोलते थे कि क्यों, उसके पीछे ऐसा था कि आप मेरे में एनग्रोस हो जाओ, आप वीडियो के आंख से मुझे नहीं देख पाओगे, आप मुझे देख पाओगे, मुझे महसूस करो, वो वीडियो में मत खो जाओ, मैं हूं ना आपको रियलाइज कराने।
तो वीडियो उतारना, वो ना बहुत सारे वीडियो गए फार्म पे भी थे, तो जो फोटो खींचे थे तो वो कुछ मेरे पास कुछ बस वही वही है, वो बहुत कुछ है बस फोटो। फिर बहुत बोलना, टॉकिंग टू मच, यू आर टॉकिंग टू मच। किसी से ऐसे अपन ऑर्गेनाइजर तो किसी को बोलना पड़े, बोले ना बोर बचाए। तो मुझे ऐसे लगे मैं किसी के साथ प्रोफेसर की बातें करूं, कम कब तक चलना है कब। आज भी ना दीपक भाई वो आवाज ना मेरे कान में गूंजती रहती और फट से बहुत बोलना अच्छा नहीं लगता था, पर हमेशा बोलते थे आई एम वेरी बिजी। आई लास्ट में 2010 को जब गए ना, उससे दो तीन तीन दिन पहले फोन भी किया था, आई वॉन्ट टू टॉक सो मच विथ यू बट आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी शॉर्ट इन टाइम। इतना गुस्सा आता क्या शॉर्ट इन टाइम करते रहते हो, एक जरा सा बोल लो। पर बहुत अच्छे से बोलते थे, पर हमेशा ना कितना भी बोले कम ही लगता था उनका, पर हमेशा एक ही बात, शॉर्ट इन टाइम बस। हम बोलते थे मैं ना अभी नहीं आऊंगा, तो मैं बोलती थी अपन तो पागल एकदम, मैं बोलती हम आ जाएंगे, तो बोलते थे नो एवरीथिंग विल बी नाइस डोंट वरी। फिर जब लास्ट में 2010 में मैंने एमए किया, तो बाद में मैंने बोला अभी मैंने नहीं पीएचडी करना, मेरे को घंटाला आता था, तो बोलते थे नो नो यू शुड डू, आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू। और उससे पहले मेरी एमए किस, मैं उनको बोली मेरी मैं जैसे पता नहीं इंडिकेशन ही था, जैसे सब कुछ तो उनके जाने के बाद तो सब गया ही अपना, कुछ सूजनता तो था नहीं, वो गए 25 मार्च के बाद। तो बाद में मेरे ना उस वक्त जनवरी में सारे बुक्स बीए से लेके एमए तक के 5 साल के हैंड रिटन सारे बुक्स गुम हो गए, सारे बुक्स गुम हो गए। और इसलिए फिर मैंने उनको बताया कि मेरे तो सारे बुक्स गुम हो गए, अभी मैंने एमए किया, अब मैं पैट बैट देने वाली हूँ नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैं उल्लू कहाँ से पास होंगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और मैंने नहीं करना पीएचडी। तो बोलते नो यू शुड डू, आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू, अभी आई विल गाइड यू बोल के तो गए। और इधर तो मार्च में तो चले गए, उसके बाद एमए का एग्जाम भी बाकी था, इधर मार्च में गए, बाद में पढ़ने का तो किसी को अक्ल भी नहीं चली। फिर बड़ाई कुछ किया, पास हो गए, पैट में भी पास हो गई, बोला था देना है। पैट के बाद गाइड सिलेक्शन, तो गाइड भी इतने अच्छे उनकी कृपा से मिल गए। और गाइड ने फिर बताया कि ना मुझे कुछ समझ नहीं रहा था क्या टॉपिक लिया, अपने को तो फाइव एलिमेंट और सब यही आए। तो मैंने गाइड को बताया मैंने तो पूरी जिंदगी ये फाइव एलिमेंट किया है, तो मुझे बोलते हैं आई नो योर टॉपिक, और मुझे बताया हेल्थ हैप्पीनेस एंड बियॉन्ड थ्रू अवेयरनेस दिस इज योर टॉपिक ऑन कॉन्शियसनेस वी विल बी। वो कॉन्शियसनेस वर्ड सुना ना तो मुझे ऐसे लगा कि ये ना प्रोफेसर बोल रहे, कुछ उनका ही ना आवाज जैसे लगे वाइब्रेशन। क्योंकि लास्ट में जब 2010 में गए ना, तब हमारे साथ एक ऑर्गेनाइजर थे और वो एक ही बात बोलते थे इसके साथ अपना पूरा करें। मुझे लग रहा था मैं 20 मिनट ही लूंगी, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो गया, सॉरी। तो लास्ट में एक ही चीज बोलते थे हर वक्त कि चेंज द कॉन्शियसनेस देन देर इज नो डिसीज। मैं उनको पूछती थी कि सर हमें ना स्लिमिंग ट्रीटमेंट आ जाए ना तो अपन सुजोक वाले बहुत आगे निकल जाए, आजकल स्लिमिंग पे बहुत चल रहा है, डायबिटीज ये सब बड़ा बड़ा बैनर आना चाहिए अपने। तो बोलते थे चेंज द कॉन्शियसनेस देन देर इज नो डिसीज, चेंज द कॉन्शियसनेस देन देर इज नो डिसीज। और मेरे थीसिस का फर्स्ट सेंटेंस चालू हुआ कॉन्शियसनेस। तो वो हमेशा ना हमेशा जहां कहां भी सुजो
माही ट्विस्ट जैसे नाम लिया ना, वो सबके साथ है। और कभी भी उनको कुछ भी पूछते थे ना कि प्रोफेसर ये करें ऐसा करें तो ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, तो बोलते थे कविता चंदन ऐसे सेम आई ट्रस्ट यू, व्हाट एवर यू डू इट्स फॉर बेस्ट ऑफ सुजोक, डू इट। वाओ क्या बात। बस यही सेंटेंस के साथ, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ मैंने ट्राई किया कि आपको हूबहू लगे। और वो क्या खाते थे ऐसे बोलते थे, सारे टाइम हर वक्त कि आप नहीं आपके साथ प्रोफेसर बोल रहे हैं, और आपके हर एसेंट में प्रोफेसर को सुनना, वाह ऐसे लग रहा था कि जैसे प्रोफेसर सर पे ही सामने से बोल रहे हैं। वो पीछे से ही बोलते हैं, मुझे ज्यादा बोलना नहीं रहता है, फिर भी मैं थोड़ा ज्यादा बोल गई हूँ तो सॉरी, प्रोफेसर को भी सॉरी बोलते हैं। नहीं, सॉरी, मतलब बिल्कुल मीडिया अच्छा नहीं लगे, कुछ अच्छा नहीं लगे, हिडन अच्छा लगता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्माइल थैंक्स वंस अगेन दीपक जी और अजय जी, सारी जो मीठी मीठी बोले ना, मीठी मीठी यादें हैं जो ये सही में। और हम सब इतने लकी हैं कि हमको प्रोफेसर ने चुना, योग में कहते हैं ना कि ही चूज यू, ऐसे है कि इन्होंने हमें चुना ना, वो बहुत, कोई हमारे इतने कोई कर्म नहीं, लोग एक एक पांव पे खड़े रह के कितनी तपस्या करते हैं फिर भी अच्छे गुरु नहीं मिले। और ये ना क्या क्या कोई एबिलिटी नहीं है सही में, जैसे राम ने बंदर को चुना ना वैसे ही हम बंदर, और प्रोफेसर के चुनने से हम बहुत बहुत जीवन अपने सफल बना दिया। सर जी आपने इतना अच्छा बोला है, इतना बढ़िया बताया, इतना फील करा, ऐसा लग रहा है कि हम प्रोफेसर के साथ वो मोमेंट जिए हैं जो आपने जिए हैं। इतना बढ़िया आपने बताया, मतलब अजय सर आप प्लीज बोलिए सर आपको लगा। वंडरफुल, मतलब हम लोग इतने करीब से जाने नहीं, हमें तो पता ही नहीं था, लेकिन इतनी अच्छी यादें हैं, रियली रियली वंडरफुल। ये मीटिंग याद रहेगी हम लोगों को, और जितने लोग अटेंड किए, इतने साफ सुथरे थे अजय जी, इतने साफ सुथरे कि उनकी कोई कपड़े खराब नहीं। यस और ना फिर मैं जबरदस्ती लास्ट जैसे आए थे ना, तो जबरदस्ती उनकी शर्ट लेके धो ली थी, धो लो करके, बहुत मतलब कॉलर साइड तो ऐसे लगे धो लो पूरा साफ कर दो, नो नो इट्स फाइन, मतलब किसी को परेशान नहीं करना, ये इंसान का एक ही देह, कभी अपना पावर नहीं यूज किया, कभी नहीं, कभी नहीं। आपको बताऊंगी ये जो एरिया है ना मेरे रूम का, तो यहाँ पे मुझे बोलते थे कि मैं ना यहाँ एक छोटा सा कमरा करा दो, मैं यही रहूंगा, पर मैं रहूंगा तुम्हारे घर पे, बोलते थे नहीं हम आपके घर में रह रहे हैं, आप हमारे घर में नहीं रहे, दिस इज ट्राई ओरिजिन हाउस, दिस इज स्माइल हाउस, दिस इज योर हाउस, हम आपके पहरे घर, ये हमारा घर नहीं है, दिस इज माई एड्रेस। मैं उनको बोलती थी प्रोफेसर दिस इज माई एड्रेस बट दिस हाउस इज योर्स, तो ऐसे वो डबल मीनिंग में बोले तो हम भी ऐसे बोल देते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया करने के तो शब्द ही नहीं है हमारे पास, जिस तरीके से आपने आज हमने अपने पूरी इस प्रोग्राम में इस इवनिंग में इतना कुछ प्रोफेसर का ऐसा बताया है जो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हमें, हम प्रोफेसर के साथ कुछ जिए है जैसे ये मोमेंट। इस बात को कहने के लिए, इस बात को मैं मतलब दिल से कहना चाह रहा हूँ, दिल से निकल रही है बात, ये ऐसा नहीं कि मैं बात को कहने के लिए कह रहा हूँ। रियली ग्रेटफुल कविता जी फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग, शब्द नहीं है धन्यवाद के लिए जो आज आपने हम सबको दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये चीज ये हम सारे सुजोग बलों को ताकत देगी कि आगे बढ़े, सुजोग को लेके आगे जाए, दुनिया में सुजोग को फैलाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ना, एक बहुत बड़ा ड्रीम था दीपक जी, वो एक ड्रीम हम पूरा नहीं कर पाए, नहीं उनको ऐसे था,
अभी चलो ये कोरोना टाइम चल रहा है, पर सही में उनका एक ये जो अपना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हम फॉरेन तक, ये तो इतना बड़ा हुआ ना, उनका जो ड्रीम था ना वो ऐसा ही था कि वो एक ऐसे स्टेज से बोले, हम नहीं देखते वो म्यूजिशियन और गाने वाले गाते हैं और इतने लोग झूमे, वो ना मुझे वो जॉली जिमखाना आता था ना, ग्राउंड है क्रिकेट ग्राउंड, तो वो दिखाते थे कि ऐसे ना हमें बड़ा सेमिनार करते हैं। Yes. हम भी बोलते थे कि करेंगे प्रोफेसर, पर बहुत जल्दी चले गए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। प्रोफेसर स्माइल छोड़ के गए हैं, स्माइल दे के गए हैं, और स्माइल आपके साथ है, प्रोफेसर छोड़ के फिजिकली जरूर गए हैं, लेकिन आप देखिए आपके हर शब्द प्रोफेसर थे, आपके तो हर बात में प्रोफेसर थे, तो इसमें हम कभी कह नहीं सकते प्रोफेसर गए हैं, प्रोफेसर तो हमारे साथ हैं और हमेशा साथ हैं हर चीज में ना। मैंने ये महसूस किया, इतनी टफ वो कुंडलिनी की बुक रहती थी और इतनी पुरानी बुक, और मुझे वही मेरे गाइड ने बताया कि वो आप बुक लाइब्रेरी में रहेगी, ढूंढो, वो लाइब्रेरियन को भी बुक नहीं मिले। फिर मैं उल्लू गई और ऐसे कबट खोला, पर उधर ना बिना नाम लिखी हुई बुक, जैसे बुक के ऊपर कुछ नाम भी नहीं, और वो बुक मैंने ऐसे उठाई तो वही बुक। देखिए अभी कैसे मिलना, ऐसे तो 100 एक्सपीरियंस, वो सूफिज्म का पूरा मैंने लिखा, और लास्ट में जब वो पेज मुझे आया कि गुरु जब अपनी अपना परफेक्शन का लेवल जहां पे हमको छोड़ जाते हैं ना, वहां एग्जैक्टली दूसरे गुरु के हाथ में दे जाते हैं। और मैं ये मौके पर जरूर कहूंगी कि वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर रियली थैंकफुल टू मिंक्यू एंड मिंचेल कि वो लोग इतने अपने यंग एज में हमारे साथ जुड़े। आई एम रियली थैंकफुल टू यू मिंक्यू एंड मिंचेल कि यू आर विथ अस, सो वी आर इन सच अ सेफ हैंड्स, कि हम एक सेफ हाथ के साथ हैं, कि हमारा कोई बेस तो है, आईएसए आज हमारा बेस है, हमारे साथ है। आज हम एक छत के नीचे, एक प्रोफेसर के प्यार के नीचे, आज देखो हमें कैसे फैमिली मिल रही है, आज हम मिलते हैं तो कैसे एक परिवार लगता है, एक एक परिवार, एक प्रोफेसर, एक फादर के हम, और मिंचल भी कितना अच्छे से बात करते हैं। यस अवर सच ऑफ फैमिली मिंक्यू मिंचल, कितना अच्छे से बात, so we are really blessed professor na, one uske baad two and then we all are many, so sequence apna dry origin ka ekdam perfect ho gaya hai, aur SIC mein Ajay ji aapke to ekdam miraculous result padke bahut maza aaya hai, thank you bahut, aur ye abhi bhi na main aapke sare videos dekhti hu, ye Veena ji ka result wagera bahut badhiya, ये बहुत ब्लेसिंग्स है आप पे, बिल्कुल प्रोफेसर के अच्छे अच्छे रिजल्ट्स ले रहे हैं, रियली थैंक यू प्रोफेसर, इज ऑलवेज आई थिंक टू लेकिन मुझे लगता है कि ही इज टोटली फॉलोइंग प्रोफेसर, और यस यस यस, और ना मिंचल भी हमेशा अजय जी का बहुत बखान करते हैं, मेरे पास भी आए थे ना तो मुझे भी पूछ रहे थे कि यू हैव मेट अजय, I like his attitude, I like this person. What do you think? I said, no, very nice, very humble. और हमेशा smiling face, बहुत अच्छा। मीता जी भी ना, और अब तो हमारी family का मीता के student तो हम सब नानी तो बड़ी है, तो सब एक student, तो जैसे निमित है जिस 2005 में स्वीटी आई थी पढ़ने तो बोली मेरे को पढ़ाना है, तो उस प्रोफेसर को उस टाइम पूछा था कि प्रोफेसर शी वांट टू लर्न या टीच, फिर एक महीना घर पे रह के पढ़ के गई, तो एक एक फैमिली लगती है। अभी आज मोनिशा इतना अच्छा करती है, मनीषा, दीक्षिता, फिर स्वीटी, तो ऐसे लगता है कि हम ये जो टीचर पिक्चर कुछ नहीं, हम एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्रोफेसर ने हमें बनाया, कि बाजा तो वो बजा रहे हैं, आवाज अपनी है। बोलते हैं ना जो तार से निकलती है वो आवाज होती है, बजाने वाला तो कोई नहीं होता है।
बहुत बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा। तो आज मैं समझता हूँ इसी के साथ सबके कुछ साथ लोग कुछ लोग गुलाटी जी कुछ लोग बात करना चाहे, कुछ बोलना चाहते हो, हम लोग किसी को पूछना है अनम्यूट कर देते हैं सबको। टाइम बहुत हो गया, टाइम बहुत हो गया, कुछ लोग अगर पूछना चाहे तो सबको अनम्यूट कर दिया हम लोगों ने। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए तो सब लोग स्क्रीन पे आ जाएंगे। यस, किसी को कुछ पूछना हो, समय कितना भी लग गया है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। यस यस, पता भी नहीं चला, पता नहीं चला। कविता जी आप भी अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। टाइम बहुत ज्यादा निकल गया इसलिए सबको शॉर्ट हो गया टाइम, सब लेकिन पता ही नहीं चला। इतनी अच्छी यादें आपने शेयर की। मैंने सोचा था, मैंने बोला था मैं 20 मिनट ही लूंगी लेकिन थोड़ा ज्यादा। सर बहुत अच्छा लगा कविता जी, मतलब लग रहा था सही में जैसे गुलाटी जी बोल रहे, लग रहा एकदम सामने से प्रोफेसर को तो देख रहे हैं और सुन रहे, एकदम पूरा एक्सपीरियंस पूरा प्रोफेसर के साथ एकदम लग रहा था, एकदम मतलब गूज़बम्स आ रहे हैं, और कुछ नहीं बोल सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, दिस वाज़ द बेस्ट सर, ये सबसे बेस्ट था आज तक का, आई फील दैट। यस अभी तक का बेस्ट, यस सर एकदम। हम तो सर आई एम हियरिंग एवरी डे, पर इतना बेस्ट था एकदम। नहीं उसमें क्या, थैंक यू कविता जी। यहाँ पे ना जयश्री जी, यहाँ पे एक प्रोफेसर बात करते हैं कि कई बार ना 11वां हथौड़े से चीज टूटती है, तो ये 11वां हथौड़ा लगा होगा क्योंकि 10 आगे सुने हुए थे ना, तो और मजा आता है ऐसा लगता है। और इनकी बात वो खुद ही इतने मीठे मीठे है ना कि इनकी बातें हर बार मीठी। बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं, मेरा भी मिलना हुआ प्रोफेसर से कविता जी, लेकिन इतना नहीं हुआ, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था प्रोफेसर के साथ, बस एक बार जरूर मिली थी ग्रीन रूम में, अकेले में ही मिली थी। अरे वाह, तो बस वो याद है बस, और उसके बाद नहीं मिला, लेकिन आपसे जब सुन के तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, गुलाटी जी कविता जी, थैंक यू सो मच, सर हम लोग मिले नहीं सर से कभी प्रोफेसर पार्क से, बट आज सर हमेशा स्माइल स्माइल बोलते हैं, पर पता नहीं सर आज मैम की बात सुन के आंखों में टीयर्स आ गए, इनकी इतनी सारी बातें जिससे लग रहा था कि सर की प्रोफेसर की ही आवाज जा रही है, बहुत ही सर टीयर्स बह रहे थे, आई डोंट नो व्हाट वाज द इमोशनल कनेक्शन, हमने कभी देखा नहीं है उनको, बट बहुत सारी मीटिंग मैंने मिस की, बट आज अगर मैं मिस करती तो मैं शायद माफ नहीं कर पाती, आज बहुत अच्छा लगा सर। सबको सबको समझ में आ रही है कि आप किस तरीके से जुड़ पाए और समझ पाए, फील कर पाए। कोई और सवाल पूछना चाहे तो जरूर पूछिएगा। If anyone else wants to speak anything, रितु जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। कविता जी नमस्ते, माय इवनिंग, मैं आपसे बॉम्बे में बहुत बार मिली वहाँ के कैंप वगैरह में, और जब भी मैं आपको देखती थी ना तो मेरे को लगता था कि ये कितनी सौम्य है, कितनी स्माइलिंग है, लेकिन आज आपकी बातें सुनते तो ना मेरे को इतना मजा आ गया। मैंने बहुत मीटिंग्स मैंने भी मिस करी, लेकिन आज की मेरी भी मिस होती तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, और मेरे को भी आंसू आ गए थे सुनते सुनते बीच में, बहुत अच्छा लगा। आपने जब शबरी के बैर बोला तो मेरे को सच में वो फीलिंग दिख रही थी कि आपको कैसा लगा होगा जब प्रोफेसर को आपने पहली बार खाना खिलाया होगा। बहुत 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 सही, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और सवाल पूछना चाहे तो प्लीज बताइएगा। इतना अच्छा इन्होंने बताया कि कोई सवाल अब मुझे नहीं लगता रह गए हैं। It was so good, मतलब जैसे जैसे आप बोल रहे थे बिल्कुल वैसे वैसे सामने मेरी पिक्चर आ रही है। I'm really speechless, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा। कभी ऐसा मौका मिला ना
तो मैं ये जहाँ पे प्रोफेसर में बैठते थे खाना खाते थे उसके ना ज्यादा फोटोज नहीं है, थोड़े थोड़े हैं, मैं जरूर शेयर करूंगी। और वो कहाँ पे जैसे डाइनिंग टेबल पे बैठते थे, एक और सेशन ना ऐसा जो अगर दीपक जी अजय जी कभी सबका हो जाए ना बाद में एक दिन अगर अपने को या कोई कभी कुछ टाइम मिल गया प्रोफेसर की इच्छा से तो एक ऐसे मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जगह पे बैठ के खाते थे, यहाँ बैठ के मैं खड़ी रहती थी और यहाँ पे उनको बिठा के खिलाते थे दूसरा दूसरा। जी बिल्कुल, हम सब देखना चाहेंगे सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। और सेशन प्लान करिए कविता जी के साथ। सर मन नहीं भरा है, समय हो गया लेकिन इनका मन नहीं भरा है, अभी भी और सुनने को बाकी है। बहुत सारे बहुत छह साल में ना बहुत इतना देखे गए ना, मेरी जब प्रोफेसर गए ना तो मेरी मम्मी को ऐसे था कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, लाइक मैं पढ़ाने के लिए पेन भी नहीं उठा पाती थी, मैं ऐसे ही पेन उठाऊ। और मेरे स्टूडेंट्स भी टचवुड बहुत मुझे सपोर्ट करते थे कि मैं रोती तो मुझे बैर कर लेते थे। थैंक यू डॉक्टर कविता, बहुत ही अच्छा सेशन था। एक तरह से तो आप जैसे लोग जो प्रोफेसर पार्क वो के साथ जो इंटरेक्शन था और आप जब ये सब नरेट करते हो तो एक तरह से इट्स अ थेरेपी, टाइम ओरिजिन थेरेपी फॉर अस। वाओ ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया कहा आपने। सो यू नो वी हैव नॉट मेट हिम बट थ्रू यू ऑल वी आर लर्निंग व्हाट ही टॉट यू ऑल and going back in time is very interesting and therapeutic. Yes, sir, ये मैं बताना चाहूंगी कि जैसे अपन बोलते हैं ना कि values are to be caught not taught, ऐसा ये बहुत उनका values अपने को समझता था कि कितने बड़े थे लेकिन कभी कोई वो मैं के पीछे ही नहीं गए, बोलते थे मेरे पास टाइम ही नहीं है इतना पब्लिसिटी का, ये वो बस काम करते जाओ। वो गीता का प्रिंसिपल है ना, काम करता जा, हाक मारता जा, मदद तैयार, ऐसे एकदम। बहुत बढ़िया, ऐसा सारा टाइम जो आप बोलते रहे कि एक डिवाइन एनर्जी पूरी फ्लो करती रही है पूरा पूरे इस एपिसोड में, मजा आ गया है, बहुत ही बढ़िया, ऐसे लग रहा है कि स्माइल 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 एंड देयर इज नथिंग एल्स, ओनली यू नीड टू स्माइल, मतलब ऐसा क्लिप्स नीचे ही नहीं जा रहे हैं ऐसा फील आ रहा है। चलो भले थोड़े लोग हैं, बस ना आप ऐसे क्लोज आईज करके जैसे प्रोफेसर खाना खा रहे हैं और आप उनको परोस रहे हो और डोसा बनाओ और उनको खिलाओ और बोलो कैसा लग रहा है, हाँ मस्त मस्त ऐसे प्रोफेसर कर रहे है, ऐसा बस सोचना, जब भी डोसा खाओ ना तो ऐसे ऐसे सोचना डोसा डोसा I like dosa. ऐसे सोचना इतना मजा आएगा ना, हमारे घर में जब डोसा बनता है ना तो हमारे घर में सब ऐसे पूछते वन मोर डोसा डोसा नो नो टू मच टू मच ऐसे बहुत प्यार पाया है। थैंक यू सो मच आपके लिए, हम कितना भी कुछ कहेंगे तो काफी नहीं है, जितना आपने आज हमें दिया है और जितना हमने ऐसा लगता है स्माइल में नहला दिया है, स्माइल के शावर के नीचे खड़े रहे सन्नी जी, आज इसे हम चूर नहीं लाए जी, तो मैं आज का प्रोग्राम मैं चाहता हूँ यहीं पे विद स्माइल खत्म करने का दिल नहीं है लेकिन समय समय ऐसा है कि और ये आपका सिलसिला तो चालू ही हमारा हुआ है तो अभी चालू ही रखेंगे और ना इसके पर एक बुक बनाएंगे। ऐसे ना बहुत सारे रिलीजन में ऐसी बुक रहती थी, है गुजराती में एक ऐसी बुक है स्वामीनारायण भगवान की जेवा में निर्ख्यात है गुजराती में, मतलब जैसे मैंने देखे सिंग विथ माई क्लोज आईज, ऐसे अपन ना सब लिखते हैं कुछ के मैंने क्या, जैसे आज तक के सेशन हुए ना जय जी अपने कैसा बुक लिखे उनको, उन्होंने ना लास्ट में सबको नहीं बोलते थे
के सुजुकी में आपके एक्सपीरियंस पे वो लिख के भेजो लिख के भेजो लिख के भेजो लास्ट में बहुत बोलते थे कि नॉट स्मॉल बिग बिग. अभी उस वक्त तो थेसिस लिखना आता नहीं था, अभी समझ में आया क्या बोलते थे. एक्चुअली ना उनकी बातें इतनी गूढ़ होती है ना, समझना बहुत. अभी अपन भी बच्चे थे ना, माँ की गोद में जैसे वानर की भक्ति हुए, माँ को चिपते हुए और बिल्ली को पकड़े हुए था बच्चा, तो समझ नहीं पाते. आज भी वैसे ही है, लेकिन लगता है ऐसा कुछ लिखे तो खुशी हो जाएंगे, है ना. आप इतना अच्छा गुलाटी जी बोलते हैं तो कुछ ये भी करते हैं. बिल्कुल आपका जो आइडिया है, we will take it forward definitely. It is a brilliant, it is actually a feeling, not an idea, basically. Your divine feeling, and which has to be done, I think. I think it is a wonderful thing which you have said. We will definitely try to write and make a book out of it. Definitely. Let's all do it. Let's all do it. Bahut badhiya, bahut badhiya. Aaj ka session, sir, yahi pe samapt karte hain with smile. Kavita ji, thank you very much. Bye. Thank you very much to everybody. Smile night. Smile night. ये प्रोफेसर का घर है ना. थोड़ा दिखाओ ऐसा. अब थोड़ा थोड़ा मूव कराती हूँ. ये चेयर है, यहाँ पे बैठते थे. थोड़ा मूव करती हूँ. ये कैमरा सामने लेती हूँ, एक सामने व्यू कैमरा. यहाँ पे ये सोफे पे बैठते थे. यहाँ पे घर से आते थे ऐसे. ये डोर है और ये मेरा किचन है. यहाँ पे मेरा किचन है तो यहाँ पे इनके लिए मैं डोसा बनाती थी. और ये डाइनिंग एरिया है, वहाँ पे खाना खाते थे. ये चेयर प्रोफेसर की है, जो सामने वो लंबी खड़ी वो चेयर प्रोफेसर. ये चेयर पे खाना खाते थे ऐसे. अभी तो मेरा खाना पड़ा है, लेकिन यहाँ पे और मैं जैसे यहाँ खाते थे और मैं यहाँ से परोसती थी और मैं यहाँ हिडन छुपे बैठ खड़ी रहती थी. okay, और फिर यहाँ इनको खाना ऐसे. ये पूरा यहाँ यहाँ गैस पे इनके यहाँ पे ऐसे मैं यहाँ पे बनाती थी और फिर यहाँ से ऐसे परोसती थी ऐसा. और यहाँ पे ये बैठ के खाना. आप बोल रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि प्रोफेसर अभी भी वहीं बैठे हैं और आप वहीं. और ना आप ऐसे देखो ना तो हर रोज हम जहाँ वहाँ पे ना बैठते हैं ना तो हमको हम बोलते हैं कि कहाँ बैठोगे प्रोफेसर की चेयर पे. तो ये चेयर उनकी है तो वो यहाँ पे ये जगह पे बैठते थे डाइनिंग टेबल पे. तो यहाँ से ना ये आपको ये यहाँ से ये पूरा ऐसे घर दिखता है. और मैं वहाँ पे लास्ट में विंडो के पास बैठ के आपको पढ़ा रही. तो ये पूरा अपना घर है और ये यहाँ पे डाइनिंग टेबल और वहाँ पे किचन में छोटे घर होते हैं वैसे हमारे. और दिल्ली जैसे बड़े बंगलोज नहीं होते, तो फ्लैट्स होते हैं. तो ये यहाँ पे तो वो ना यहाँ ऐसे ये पार्ट को ऐसे बोलते थे. यहाँ पे ये जो पिलर दिख रहा है ना तो ये बोले कि यहाँ पे मेरे को ऐसा कट कर दो तो मैं यहाँ पे रह लूंगा. तो ये यहाँ अंदर कमरा है. यहाँ पे ऐसे हम ये डोर बंद कर देते थे और यहाँ पे ये रह. अभी मिंचल आए थे तभी हमारी जो मीटिंग हुई थी बम्बई में तो सब लोग आए थे घर पे और सब ने प्रोफेसर हाउस देखा था, स्माइल हाउस. दिस इज जस्ट अवर रेसिडेंस. देखा वहाँ पे आपको डोर दिखेगा, वहां से आते थे फिर यहाँ तक आएंगे चार्ज करेंगे फिर यहाँ टीवी देखने के लिए बैठ जाएंगे ऐसे.
फिर वहां आपको पूरा किचन ब्यूटीफुल 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 व्हाट अ रिमेंबरेंस व्हाट अ रिमेंबरेंस आज भी प्रोफेसर वही है आज भी वो स्माइल है आज भी वो फील है आपके पास यही सबसे बड़ी बात है यही सबसे बड़ी बात वो हमेशा सबके साथ है सबके साथ आज देखो ये सब ऑर्गेनाइज करने का आपको जो सुझा वो भी उनका ही स्माइल जी 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 ये प्रोफेसर का ही ब्लेसिंग है प्रोफेसर की थैंक यू सो मच थैंक यू स्माइल लाइट एवरीवन स्माइल लाइट बहुत लोगों का बहुत टाइम लिया थैंक्स फॉर लिसनिंग थैंक यू हैव अ इवनिंग यस 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 वांट टू से समथिंग यस yes, सर मुझे बोलना है कि मैंने हमने आधा एक्सपीरियंस सुना है आधा भी नहीं सुना है मैम के मुंह से हम और इन्हें सुनना चाहेंगे प्रोफेसर को सुनना चाहेंगे ओके ओके दोबारा बुलाएंगे डेफिनेटली बुलाएंगे डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू